Narendra Modi, da República da Índia. Your Excellencies, सबसे पहले मैं राष्ट्रपति बोल्सोनारो को ब्राजील का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए बधाई देता हूं और ब्रिक्स परिवार में उनका स्वागत भी करता हूं। मैं राष्ट्रपति बोल्सोनारो को इस बैठक के आयोजन के लिए हार्दिक धन्यवाद भी देता हूं। इस अवसर पर हमारे मित्र श्री रामाफोसा को फिर से दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति चुने जाने पर मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक्सलेंसीज, इस प्रकार के अनौपचारिक विचार विमर्श से हमें G20 के प्रमुख विषयों पर एक दूसरे के साथ समन्वय का मौका मिलता है। आज मैं तीन प्रमुख चुनौतियों पर ध्यान दूंगा। पहली, विश्व की अर्थव्यवस्था में मंदी और अनिश्चितता, नियमों पर आधारित बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था पर एक तरफा निर्णय और प्रतिद्वंद्विता हावी हो रहे हैं। दूसरी ओर संसाधनों की कमी इस तथ्य को झलकती है कि इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए अंदाजन 1.3 ट्रिलियन डॉलर की कमी है। दूसरी बड़ी चुनौती है विकास और प्रगति को समावेशी सस्टेनेबल बनाना। तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी जैसे कि डिजिटलाइजेशन और क्लाइमेट चेंज सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चिंता का विषय है। विकास तभी सही मायने में विकास है जब वो असमानता घटाएं और सशक्तिकरण में योगदान दें। आतंकवाद सारी मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, यह निर्दोषों की जान तो लेता ही है, आर्थिक प्रगति और सामाजिक स्थिरता पर बहुत बुरा असर भी डालता है। हमें आतंकवाद और जातिवाद को समर्थन और सहायता के सभी रास्ते बंद करने होंगे। एक्सलेंसीज, इन समस्याओं का निराकरण यद्यपि आसान नहीं है, फिर भी समय की सीमा में 5 प्रमुख सुझाव देना चाहूंगा। ब्रिक्स देशों के बीच तालमेल से एक तरफा फैसलों के दुष्परिणामों का निदान कुछ हद तक हो सकता है। हमें रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं तथा संगठनों में आवश्यक सुधार पर जोर देता रहना होगा। निरंतर आर्थिक विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा के संसाधन जैसे तेल और गैस कम कीमतों पर लगातार उपलब्ध रहने चाहिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा सदस्य देशों के भौतिक और सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर तथा रिन्यूएबल एनर्जी कार्यक्रमों में निवेश को और प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कोलिशन और डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत की पहल अल्प विकसित और विकासशील देशों को प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए उचित इंफ्रास्ट्रक्चर में सहायक होगी। मैं आपसे इस कोलिशन में शामिल होने का आह्वान करता हूं। विश्व भर में कुशल कारीगरों का आवागमन आसान होना चाहिए, इससे उन देशों को भी लाभ होगा जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा कामकाजी की उम्र पार कर चुका है। मैंने हाल ही में आतंकवाद पर एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का आह्वान किया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए जरूरी सहमति का अभाव हमें निष्क्रिय ही नहीं रख सकता। आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष को प्रमुख प्राथमिकताओं में जगह देने के लिए मैं ब्राजील की सराहना करता हूं। एक्सलेंसी, ब्राजीलिया में ब्रिक्स समिट की मैं उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं। इस समिट को सफल बनाने के लिए भारत पूरा सहयोग करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।